नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। आज मैं मौजूद हूँ चांदपुर बास्टा रोड डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर, स्वराज एजेंसी है, मेजर सिंह के नाम से है, वहाँ पर आया हुआ हूँ। बात आज ये है किसान साथियों, जो स्वराज का न्यू मॉडल आया है 744 में, मारुति मॉडल जो उन्होंने निकाला है और जो सादा मॉडल है उसमें, और दोनों में जब मैं किसान साथियों के पास जाता हूँ जिनके उन्होंने स्वराज चलाया है, पुराना वाला चलाया है और अब नया वाला चला रहे हैं, तो उनकी एक ही डिमांड रहती है मुझसे कि भैया इसमें बहुत धरती आसमान का अंतर है। तो आज हम उसको भी कुछ देखेंगे और एक चीज़ और देखनी है, उसकी वाइब्रेट चेक करनी है कि क्या मारुति मॉडल करने के बाद भी स्वराज ने क्या उसकी वाइब्रेट कम करने के लिए क्या है, क्या वाइब्रेट कम हो पाई है या नहीं हो पाई है, और भी चीज़ें हैं वो देखते हैं कि मारुति मॉडल करना इनका आखिरकार सक्सेस रहा है या नहीं रहा वाइब्रेट, क्योंकि पहला मॉडल आता था तो वाइब्रेट करता था, अब इसका पता नहीं, अब इसका चेक करेंगे कि वाइब्रेट करता है या नहीं करता है। वीडियो में जुड़े रहिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। किसान साथियों, आपके सामने खड़ा है स्वराज का 744 XT 5-star में, अब इन्होंने मॉडल मारुति मॉडल बना दिया रिवर्स पीटीओ के साथ जो आता है, और इसका जो है मेन पर्पज जो मैं आपसे मैंने बताया वीडियो के शुरू में कि अब इसको इनका मॉडल चेंज कर दिया, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अलग कर दिया, पहले अदर मॉडल में आता था, अलग वो अलग देखने में अलग लगता था, उसकी बॉडी थोड़ी वाइब्रेट करती थी, अब ये चेंज किया है। अभी चेक करते हैं कि ये वाइब्रेट के लिए चेंज किया है या कुछ और मकसद रहा। अब वाइब्रेट चेक करने के लिए हम इस पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर बोनेट पर यहाँ पर एक ग्लास रखेंगे, उसमें वाटर रखेंगे और इसको एक्सेलरेट करेंगे कि वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है, किसान की संतुष्टि करेंगे जिन्होंने मुझसे बोला है कि भाई इसमें तुम चेक करके बताओ कि बात असली है क्या। दिखाइए पानी, ये आपके सामने एक गिलास पानी है जो मैं इसके इंजन के जस्ट ऊपर यहाँ पर रख दे रहा हूँ, सिंपली बीचों बीच होना चाहिए, एक सेकंड देखता हूँ सामने से, देखता हूँ बीचों बीच है ना, हाँ बीचों बीच, थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर रखिए, देखिए इंजन के सामने आ रहा है ना, थोड़ा आगे रखता हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा वाइब्रेट होगा, अगर होगा तो वाइब्रेट यहाँ ज़्यादा होगा। आप सही है किसान साथियों, आप इसका मॉडल देख सकते हैं, अभी यही मॉडल आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है मॉडल, ये वाला अभी लगभग 6 महीने से आया है मॉडल, लगभग 6 महीने से आया है ये। और किसान साथी इसमें मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई इसका बताओ इसमें ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने मॉडल चेंज किया, और किसान की पहली पसंद ओल्ड स्वराज ही थी वो मुझसे बोल रहे हैं, अभी इन्होंने चेंज किया होगा, किसी वजह से चेंज किया होगा, इसका यही चेक करना है। चाबी ले आओ यार, थोड़ा बैठ जाओ, इसको बैठ जाओ, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, बैठ जाओ, एक्सीलेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भाई एक्सीलेट करेंगे, सारा RPM एक साथ मत देना, धीरे धीरे करना, जैसे 700 RPM कर दिया वैसे ही धीरे धीरे बढ़ाना। किसान साथियों, अब इसकी देखेंगे वाइब्रेट के वाइब्रेट किस प्रकार से ये करता है, ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया है ऊपर से क्यों किया है, कितने RPM है अभी, हजार पे लेके जाओगे भाई, देखो हिलने लगा ग्लास, दो नहीं भाई, ये तो जा रहा है, जहाँ तो रहा है उधर आगे रख कर देखता हूँ भाई, बीचों बीच तो हो गया डिफल्टर, दो थोड़ा सा है तो फिर क्या, तो बंद कर लो, कोई बोलो नहीं, बंद कर लो। किसान साथियों, पहले भी मैंने एक बार चेक किया है 744 का वाइब्रेट, तो उसमें था, तो उसमें तो गिलास कभी रुक भी नहीं पाया था ऊपर, इसमें हद तक सुधार हुआ है, ये बात सही है कि सुधार हुआ है इसमें, तो स्वराज ट्रैक्टर मुझे पहले से भी पसंद है, लेकिन वाइब्रेट की प्रॉब्लम थी, अब ये आपके सामने मैंने वीडियो बना दी है, वाइब्रेट आपको दिख गया होगा, मैं कहता हूँ स्वराज कंपनी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा इसमें वाइब्रेट में सुधार करें, ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा है, बाकी
और आपको पावर स्टेरिंग मिलता है। अभी किसान साथियों, अगर वीडियो के जो मेरा पर्पज़ था वो आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।